हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी और हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पास भी स्टूडियो मास्टर कंपनी का एयर सीरीज़ का कौन सा भी मिक्सर हो, कोई सा भी मिक्सर हो, जैसे लाइक एयर 8, एयर 6, एयर 6R, एयर 6U या 8U या 12 या 16, अगर आपके पास कौन सा भी मिक्सर हो स्टूडियो मास्टर कंपनी का, और अगर आपको भी उसके साथ अपना डीडी जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ते हो डीडी को, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक तरीका बताऊंगा डीडी जोड़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा अगर आपके पास ये मिक्सर है तो आपको पता होगा इस मिक्सर के अंदर ऑक्स आउट तो है, सेंड तो है, बट ऑक्स रिटर्न नहीं है। अगर ऑक्स रिटर्न नहीं होता तो डीडी को जोड़ने के लिए थोड़ा अलग तरीका लेना पड़ता है, अपने को अलग तरीका अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आपको कौन सा तरीका अप्लाई करना है जिसका आपका डीडी पूरे मिक्सर में वर्क करे। आपको जैसे पता होगा कि आप सब लोग डीडी यूज़ करते हो, चाहे आपके पास कोई सा भी कंपनी का डीडी हो, लाइक बॉस का डीडी हो या बेरिंगर का डीडी हो या और भी बहुत सी कंपनी आती है जिनका, अगर आपके पास डीडी है डिजिटल डीले मशीन, तो आप उसमें पर्टिकुलर सिंगल माइक लगा के डीडी तो उसमें दे सकते हो, आवाज़ इको कर सकते हो उस माइक के साथ में, चाहे वायरलेस माइक्रोफोन लगा लो, चाहे लीड वाला माइक्रोफोन लगा लो, चाहे डायनामिक माइक्रोफोन लगा लो, कोई सा भी माइक्रोफोन लगा के आप उसमें डीडी के साथ उसका इफेक्ट दे सकते हो। पर दोस्तों, अगर आपके पास दूसरा भी जैसे मिक्सर है कोई भी कंपनी का, जैसे साउंड क्राफ्ट या स्टूडियो मास्टर के और भी मिक्सर आते, जैसे पुराने आते थे डायमंड डीलक्स, डायमंड क्लब, तो उसके अंदर होता था, आपको पता था, जैसे ऑक्स सेंड भी होता था और ऑक्स रिटर्न भी होता था। तो ऑक्स रिटर्न और सेंड होते हैं तो हम डीडी पूरे मिक्सर पे वर्क करवा सकते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप डीडी को, आपके पास अगर स्टूडियो मास्टर कंपनी का एयर सीरीज़ का कोई मिक्सर है, जो आप पीछे देख सकते हो, मेरे पास एयर 8 मिक्सर है, आपके पास एयर 8U है या 12U या 6U है या 16 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको मैं एक ऐसा जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिसके साथ को आप यूज़ करके डीडी को पूरे मिक्सर में इको दे सकते हो, मतलब आपको वही उसी मिक्सर की तरह, पुराने मिक्सर की तरह एक नोब को ओपन करना है और हर पर्टिकुलर माइक में आप इको दे सकते हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सब के पास अगर ये स्टूडियो मास्टर कंपनी का एयर सीरीज़ का कोई सा भी मिक्सर हो तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपके पास स्टूडियो मास्टर कंपनी का जो एयर सीरीज़ है उसका आपके पास कौन सा मॉडल है, और आपने कब ख़रीदा था, और आपने कितने प्राइस में ख़रीदा था, और आप कितने साल से यूज़ कर रहे हो, और आपका एक्सपीरियंस इस मिक्सर के साथ कैसा है। दोस्तों, इस मिक्सर के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे वीडियो आ गया होगा। इस मिक्सर के इक्वलाइजर के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में, इको के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और दोस्तों, आपका मेन इस मिक्सर को परचेज करने का रीज़न क्या था, वो रीज़न भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कोई भी कंपनी का डीडी ले लीजिए। मेरे पास ये डीडी है, आपके पास बॉस का डीडी है, चाहे बेरिंगर का डीडी है, कोई भी डीडी ले लीजिए, और उसके बाद में आपके पास स्टूडियो मास्टर कंपनी के एयर सीरीज का कोई भी मिक्सर होना चाहिए। मेरे पास एयर 8 है, आपके पास कोई भी हो चलेगा, एयर 16, एयर 12, एयर 6, एयर 8, बस आपके पास मिक्सर होना चाहिए एयर सीरीज का, और ये अपने पास डीडी होना चाहिए। दोस्तों, मैं जो आज आपको तरीका बताऊंगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इस मिक्सर के अंदर आपको पता होगा सिर्फ ऑक्स आउट आता है और ऑक्स रिटर्न नहीं आता। तो ऑक्स सेंड आता है, ऑक्स रिटर्न नहीं आता, तो उस वजह से क्या होता है कि हम डीडी को अच्छे से इसमें कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिस तरीके को अपना कर आप इसमें पूरे मिक्सर के अंदर इस डीडी का यूज कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या कौन सी केबल लेनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास एक जैक टू जैक केबल होनी चाहिए। ये जैक मैंने ऑक्स यहाँ पे आउट में डाला हुआ है और अपने जो डीडी है इसके इनपुट में डाल दिया। उसके बाद में आपके पास जैक जो एक्सएलआर मेल आती है, ये एक्सएलआर मेल टू जैक होनी चाहिए। तो एक्सएलआर मेल आप मिक्सर के किसी भी माइक में डाल सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपके पास जितना चैनल का मिक्सर हो। मैं यहाँ पे 5 नंबर में डाल दिया। 5 नंबर में डालने के बाद में तो अपना डीडी से कनेक्ट हो गया, यहां से अपना आउट लिया और डीडी में दे दिया, और वापस डीडी से आउटपुट लेके मिक्सर में इनपुट दे दिया। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने जहां पे भी आपने मिक्सर के अंदर इस डीडी के आउटपुट को डाला, इनपुट किया है, चाहे 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, वहां से आप इसके नीचे से जो स्लाइड है वो ओपन कर दोगे, वहां तक जब तक आपका माइक विसल नहीं करे, और गेन को थोड़ा नोब बढ़ा देंगे, और HF, LF, MF जो अपना ट्रेबल, मिड और बेस है, उनको अपने अकॉर्डिंग स्पीकर के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। और अब बात आती है कि डीडी तो अपना कनेक्ट हो गया, तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको जैसे पता होगा कि आपके पास जितने चैनल का मिक्सर है, आपको कीबोर्ड, ऑक्टोपैड और जो गिटार है वो तो आपको लाइन के अंदर डालना है, और नीचे से स्लाइड इसके ओपन करनी है हमेशा जैसे आप करते हो, और ढोलक और तबले का और हारमोनियम का माइक भी अगर आप इनपुट कर रहे हो तो नीचे से आपको इसकी स्लाइड ओपन करनी है। और अब बात आती है वोकल के माइक की, हम वोकल के माइक में इको देते हैं, तो
तो वोकल माइक, वोकल के माइक में जब हम मिक को देंगे, रिवर्ब देंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका ऑक्स वाला वॉल्यूम है, यही जो नॉब है इसको आपको ऑन करना है जितना आपको वॉल्यूम चाहिए, और यहाँ से भी आप वॉल्यूम बढ़ा के रखिए, और इसका बॉक्स मत ऑन करिए। जो आपने डीडी से आउटपुट लिया है, जिस आउटपुट को आपने मिक्सर के अंदर इनपुट किया, वहां को आपका ना तो इको ऑन करना है, मिक्सर का इको मैंने बंद कर दिया, और ना ही ऑक्स ऑन, आपको जो नॉब है वो ऑन करनी है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, और आपको उसका ऑक्स ऑन नहीं करना। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, तो आप पर्टिकुलर किसी भी चैनल में अगर अपना माइक्रोफोन डाल रहे हो वोकल सिंगिंग के लिए, एक माइक, दो माइक, तीन माइक, तो आपको क्या है, उसका जो नीचे की मेन स्लाइड होती है वो आपको ऑन नहीं करनी, आपको उसका ऑक्स ऑन करना है बस, और ना ही उसका ई इफेक्ट ऑन करना है इको वाला, क्योंकि मिक्सर का इको हम यूज नहीं कर रहे। आप चाहो तो कर सकते हो, पर मैं डीडी का इको यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ का इको इसको बंद कर दिया, यहाँ पे भी इसका ई इफेक्ट बंद कर दिया। अब मैं ऑक्स ऑन करूंगा ना, जहां से डीडी पे इको आ जाएगा, मैं आपको लाइव बता देता हूँ। ये एक माइक है मेरे पास, हेलो 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 हेलो। मिक्सर वाला इको हमने यूज नहीं किया, हम डीडी का इको यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरी आवाज इस पोर्टेबल स्पीकर में आ रही है, छोटा सा स्पीकर है मेरे पास, एक ब्लूटूथ, उसमें आवाज आ रही है मेरी। पर जो आवाज आ रही है, देखो आप, मैंने स्लाइड भी बंद की हुई है, आवाज आ रही है ऑक्स के माध्यम से। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, जैसे डीडी को प्रेस करूंगा इको आ जाएगा। हेलो 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 हेलो, आप सुन सकते हो, इको आने लग गया। आपके पास कोई भी डीडी हो, आप ऐसे सेटिंग कर सकते हो, फिर अपने साथ डीडी को चला सकते हो। हेलो 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 हेलो, आप देख सकते हो मिक्सर का इको बंद है, ये बंद है, यहाँ से भी बंद है, और नीचे से स्लाइड भी बंद है। दोस्तों आपको सभी माइक की, आपको सभी माइक की पर्टिकुलर स्लाइड बंद नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ वोकल का माइक जिसमें आपको इको देना है, उसका आपको बस ऑक्स ओपन, ऑक्स जो ग्रुप है उसका नोब आपको ओपन करना है, स्लाइड बंद रखना है। बाकी आप ढोलक तबला का, गिटार का आपको स्लाइड ओपन करना ही रहेगा, बस उसमें ऑक्स मत खोलिए, फिर आप इको नहीं देना आपको। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। हेलो हेलो, मैं जैसे ऑक्स बंद करूंगा आवाज बंद हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो, तो आप सुन सकते हो कि बहुत ही, और देख भी सकते हो कि बहुत ही इजी है, इसे आपका जो मिक्सर है पूरा इको हो गया। आप कहीं भी माइक्रोफोन डाल के इको दे सकते हो। तो मैं आपको दूसरे चैनल में डाल के बता देता हूँ, अभी दो नंबर में, मैं चार नंबर में डालूंगा। हेलो, आप देख सकते हो चार नंबर में भी डाल दिया, इको आ रहा है। और भी एक दो इनपुट में डाल के आपको मैं चेक करा देता हूँ कि अपना पूरा मिक्सर इको हो चुका है, डीडी के साथ में कनेक्ट हो चुका है। एक बात का ध्यान रखें, जो आपने डीडी से आउटपुट लेके जिस चैनल में डाला है, जिस किसी भी चैनल में, उसका मेन आपको स्लाइड बंद नहीं करना। हेलो, आप सुन सकते हो कि हमने तीन चैनल में, मैंने आपको लगा के बता दिया, दो नंबर, चार नंबर और सात नंबर, आप देख सकते हो सब में इको आ रहा है ऑक्स के माध्यम से। तो अपना डीडी जो मिक्सर से आराम से कनेक्ट हो चुका है दोस्तों, बस यही सेटिंग आपको करनी है, और आपका मिक्सर पूरा डीडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और पूरा मिक्सर में इको हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर ये तरीका आपको पता था तो मुझे कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा अगर भी अगर आपको कोई नया तरीका बताए तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों हम डीडी का यूज सिंगल भी वैसे कर सकते हैं, सिंगल माइक के लिए, सिंगल माइक यहाँ पे इनपुट कर दिया, फिर यहाँ से आउटपुट निकाल के मिक्सर में दे दिया, तो वो पर्टिकुलर सिंगल माइक ही फिर चलेगा उसके अंदर, ज्यादा माइक्रोफोन नहीं चलेंगे, पूरा डीडी जो ना मिक्सर नहीं होगा, तो डीडी का इफेक्ट है वो पूरा मिक्सर में नहीं आएगा, सिर्फ पर्टिकुलर सिंगल माइक चलेगा। तो जो मैंने आपको तरीका बताया उसमें पूरा मिक्सर आपका जो है डीडी के साथ कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। आज मैंने आपको एक जेन्युइन तरीका बताया डीडी को एयर सीरीज़ के मिक्सर के साथ जोड़ने का। आप सभी को अगर ये पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता था तब भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और ये तरीका अगर आपको नहीं पता था तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये तरीका नहीं पता था, आज आपने हमारे वीडियो से कुछ नया सीखा है। दोस्तों इसी तरह मैं डीजे के वीडियो अपलोड करता हूँ, आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। मैं हूँ आपके डीजे वाला दोस्त डीजे संजय जोशी, और आप ही की तरह मैं लाइव साउंड ऑपरेटिंग भी करता हूँ, डीजे साउंड का भी काम करता हूँ, लाइनर, टॉप, बेस, फ्रंट ट्रस, स्क्वायर ट्रस, राउंड ट्रस। और अगर कोई भी
आपको साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और जो कॉल करने का टाइम है वो है 12 से 5 के बीच का। अगर आप उसके अलावा अगर मुझे कॉल करोगे, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा। अदरवाइज आप मुझे 24 घंटे में कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जब भी मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ आपको मैं मैसेज करके रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी, धन्यवाद।